चाहता हूँ भाइयों, मेरे सामने कितने आप लोग बैठे हैं, आप लोग सब मेरे सर के ताज हैं। मैं तो आपके सर को भी दूर हूँ। मैं अपने मुख्य अतिथि जी को बताना चाहता हूँ, आज यहाँ पर शिवपाल यादव का प्रोग्राम है। एक प्रदेश के पांचवें नंबर के सबसे बड़े कैंडिडेट बच्चे ने मेरे ट्रैक्टरों को कम से कम 50 का चालान करवा दिया, मोटरसाइकिलों के चालान करवा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कानून की बंदी से तोड़ते हुए आप लोगों ने यहाँ पर आकर ये चढ़ा दिया है, ये दिखा दिया है कि आप अपने नेता मानने नसीबुद्दीन सिद्दीकी के साथ से ये बड़ा अपराध करते हो। और आप लोगों से बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मानने सिद्दीकी के साथ को ये बताइए आप आकर कि हम वहाँ विधानसभा के अंदर अकेला लोग शायद ही प्रत्याशी नहीं है, आपने जनसभा को प्रत्याशी बनाया। हाँ, तुम्हारे बताइए कि यहाँ का बच्चा बच्चा प्रत्याशी है। बताना चाहता हूँ भाइयों कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से 3 साल से मुसलमानों के रहनुमा कहलाने वाले अखिलेश यादव की और मुलायम सिंह यादव की सरकार आई है, उसमें 350 दंगे हो चुके हैं। भाइयों, बताना चाहता हूँ कि मुजफ्फरनगर को चलते हुए तुमने नहीं मैंने देखा है, प्रतापगढ़ को चलते हुए तुमने नहीं मैंने देखा है, कोसी कला को रुकते हुए तुमने नहीं मैंने देखा है, मेरठ को रुकते हुए तुमने नहीं मैंने देखा है, अरे डीएसपी चाउल हमके रात पर उसकी पीवी पर की लाचार की पीछे तुमने नहीं मैंने देखी है। जाने कितने कतलेआम मुसलमानों के कराए हैं, खैर वो कहते हैं कि बीजेपी वाले कराने हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर समाजवादी पार्टी वालों, अगर मुलायम सिंह यादव तुम्हारे घर के अंदर आकर मुसलमानों का बीजेपी वाले कतलेआम कर रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। तुमने वादा किया था मुसलमानों से कि हम तुम्हारे जान और माल की हिफाजत करेंगे, अरे माल तो तुमने दिया नहीं और जान को बेभाव कुर्बान करा रहे हो, कत्ल करा रहे हो। आपने सुना होगा कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का चिश्ता न होता, कुल्हाड़ी में लकड़ी का चिश्ता न होता तो लकड़ी के कटने का बस्ता न होता। समाजवादी की हुकूमत बनने के बाद दासना मजदूरी गाजियाबाद जिले के अंदर पड़ता है, वहाँ पर कलाम पाक की बेहुर्मती को लेकर 200-150 मौलाना थाना मजदूरी के पास गए कि हमारे कलाम पाक की बेहुर्मती की गई है, थोड़ी सी तू तुम्हें हो गई। ऐसा यादव था, उसने मुसलमानों के सिरों पर गोलियां चला दी और 6 जवान लड़कों को धराशायी कर दिया। मैं भी गया था, जाकर देखता हूँ एक लड़के का नाम इफ्तिकार है, 3 दिन के बाद उसकी शादी होनी थी, उसकी बहन उसकी लाश पर चिल्ला रही है, अरे मुझे अपने भाई को तेरा मारना था, अरे मुझे अपने भाई की आंखों में चुपा लगाना था, मेरे भाई को किसने मार दिया। बताना चाहता हूँ, जब मैंने वो मंजर देखा उस बहन में मुझे अपनी बहन नजर आने लगी, मैं भी रोने लगा और सोचने लगा कि जिसने मेरे भाई इफ्तिकार को मारा है इंतकाम जरूर उससे, इंतकाम निकलेंगे निकल जाओ समाजवादी पार्टी से, इंतकाम लेने निकल जाओ उस मुलायम सिंह यादव से, इंतकाम लेने निकल जाओ उस अखिलेश यादव से, और इंतकाम लेने निकल जाओ उस आजम खान से जिसने हमारे भाइयों के ऊपर गोलियां चलवाई। और बता दूं उस आजम खान से कि हमें आजम की जरूरत नहीं है, हमें खाई से आजम खान से बोलते हैं जल्दी की जरूरत है। हमारी बहनों की, लेकिन भाइयों उसके बावजूद भी इतना कतलेआम कराने के बावजूद भी हमारे बीच के हिंदू नवाज फिर आपके लोगों के बीच में आएंगे, वोट मांगने के लिए, वो फिर बुलाएगा तुम्हें प्यार से दोस्ती के लिए, वो फिर बुलाएगा तुम्हें प्यार से दोस्ती के लिए, उसे मालूम है तुम फिर से निकल जाओगे, उसे मालूम है तुम फिर से पिघल जाओगे। लेकिन एक रिवायत मेरी याद रखना मुसलमानों, साफ फिर साफ है, काटेगा तो मर जाओगे। ये मानने सिद्दीकी साहब को बताइए हाथ उठाकर कि आप कोई भी मुसलमान समाजवादी पार्टी को 2017 में वोट नहीं करेगा, वोट करेगा तो मानने सिद्दीकी साहब को, बैंक को, हमारी राष्ट्रपति को और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। भाइयों, बताना चाहता हूँ कि हम विधानसभा के अंदर
मैं तो एक प्रोफेशनल कंप्यूटर इंजीनियर, मेरा पेशा नहीं है, मेरा मकसद नहीं है नौजाद अली सियासत पर तिजारत के लिए नहीं करता। बताना चाहता हूँ कि नौजाद अली के लिए एमएलए नहीं बनना, क्या एमएलए बन के नौजाद बड़ी गाड़ी खरीदेगा, नौजाद बंगला खरीदेगा, नौजाद जमीन खरीदेगा। अरे अल्लाह का करम है, आप लोगों की तो आपकी बदौलत अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मेरा कर्ज है कि मेरी विधानसभा के अंदर 12,000 बच्चे एमबीए एमसीए बीटेक एमएससी करने के बाद 20 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं, और जो लोग नौजवान